हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स के बारे में एंड प्रोडाटा अलॉटमेंट के बारे में सबसे पहले समझते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स होता क्या है जब कंपनी जितने शेयर्स इशू करना चाहती है पब्लिक को उससे ज़्यादा शेयर्स के लिए कंपनी के पास एप्लीकेशन आ जाती है तो उस सिचुएशन को ही क्या कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स कंपनी शेयर्स कम इशू करना चाहती है बट लोग ज़्यादा खरीदना चाहते हैं कंपनी के शेयर्स को उसे ही क्या कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स फॉर एग्ज़ाम्पल कंपनी सिर्फ दस हज़ार शेयर्स ही पब्लिक को इशू करना चाहती है बट एप्लीकेशन आ गई है बीस हज़ार शेयर्स के लिए तो ये कौन सी सिचुएशन होएगी ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स की क्लियर है इस सिचुएशन में कंपनी क्या करती है प्रो रेटा अलॉटमेंट करती है प्रो रेटा का मतलब है प्रोपोशनेट बेसिस पे शेयर्स को पब्लिक को अलॉट करती है फॉर एग्ज़ाम्पल यही एग्जाम्पल को आगे कंटिन्यू करते हैं कंपनी के पास एप्लीकेशन आई है ट्वेंटी थाउजेंड शेयर्स के लिए और कंपनी सिर्फ टेन थाउजेंड शेयर्स ही इशू करना चाहती है तो रेशो क्या बनी टू रेशो वन ठीक है अब जिसने दो शेयर के लिए अप्लाई किया उसे कितने शेयर्स मिलेंगे वन शेयर मिलेगा जिसने चार शेयर के लिए अप्लाई किया उसे कितने शेयर मिलेंगे दो शेयर मिलेंगे ठीक है इसे ही क्या कहते हैं प्रोरेटा अलॉटमेंट कंपनी कभी भी जितने शेयर्स कंपनी के पास अवेलेबल है उससे ज़्यादा शेयर्स दे ही नहीं सकती है जैसे इस केस में कंपनी के पास है ही सिर्फ दस हज़ार शेयर्स अब पब्लिक मांग रही है बीस हज़ार शेयर्स तो क्या कंपनी दे पाएगी नहीं दे पाएगी जब कंपनी के पास है ही दस हज़ार शेयर्स इशू करने के लिए तो कंपनी उससे ज़्यादा शेयर इशू कर ही नहीं सकती है अब एक एग्जाम्पल करते हैं जिससे आपको और अच्छे से ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको एंट्रीज भी समझ आ जाएंगी कि ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में प्रोरेटा अलॉटमेंट के केस में एंट्रीज कैसे करते हैं तो चलो स्टार्ट करते हैं एक कंपनी है एक्स लिमिटेड वो इशू करना चाहती है ट्वेंटी थाउजेंड शेयर्स को और एक शेयर का प्राइस है टेन रुपीज़ तीन इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगवा रही है एप्लीकेशन पे थ्री अलॉटमेंट पे टू और फर्स्ट कॉल पे फाइव कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है थर्टी थाउजेंड शेयर्स की कंपनी अलाटमेंट कैसे करेगी उसे हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे सबसे पहले एंट्री क्या होती है एप्लीकेशन के मनी की आने की तो एंट्री क्या है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना पैसा आया एप्लीकेशन आई है थर्टी थाउजेंड शेयर्स की और एक शेयर की एप्लीकेशन का पैसा क्या है थ्री रुपीज तो कंपनी के पास कितना पैसा आया है थर्टी थाउजेंड मल्टीप्लाई बाई थ्री नाइन्टी थाउजेंड नाइन्टी थाउजेंड ठीक है सेकेंड एंट्री होती है एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर करने की कैपिटल अकाउंट में तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एप्लीकेशन में कितना पैसा आया है नाइन्टी थाउजेंड क्या नाइन्टी थाउजेंड का नाइन्टी थाउजेंड ही कैपिटल अकाउंट में जाएगा नहीं कंपनी कितने शेयर्स अलॉट कर सकती है कंपनी के पास कितने शेयर्स अवेलेबल हैं ट्वेंटी थाउजेंड शेयर्स तो कंपनी थर्टी थाउजेंड शेयर्स के एप्लीकेशन मनी तो ट्रांसफ़र ही नहीं कर सकती है कितना ट्रांसफ़र कर सकती है ट्वेंटी थाउजेंड शेयर्स पे जो एप्लीकेशन मनी आई है तो ट्वेंटी थाउजेंड मल्टीप्लाई बाई थ्री सिक्सटी थाउजेंड क्लियर है अब बाकी के जो थर्टी थाउजेंड है उसके साथ कंपनी क्या करेगी उसको समझने के लिए हम आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं द अलॉटमेंट वर मेड एज अंडर कंपनी ने तीन कैटेगरीज बनाई हैं अलॉटमेंट करने के लिए पहली कैटेगरी है उन एप्लिकेंट्स की जिन्होंने 8000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है कंपनी ने उन्हें 8000 के 8000 शेयर्स दे दिए हैं फुल अलॉट कर दिया है ठीक है सेकेंड कैटेगरी है जिन एप्लीकेंट्स ने 16,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था कंपनी ने उन्हें 12,000 शेयर्स अलॉट किए हैं इसका मतलब कंपनी ने क्या किया है प्रो अलॉटमेंट किया है सिक्सटीन शेयर्स वालों को कितने दिए हैं 12,000 शेयर्स दिए हैं रेशो क्या बनेगी फोर रेशो थ्री कितना डिफरेंस है सिक्सटीन शेयर्स के लिए अप्लाई किया था अलॉट कितने किए हैं ट्वेल्व शेयर्स तो कंपनी ने कितने शेयर्स इनडायरेक्टली उनके रिजेक्ट कर दिए हैं फोर थाउजेंड शेयर्स क्लियर है थर्ड कैटेगरी है उन एप्लिकेंट्स की जिन्होंने सिक्स थाउजेंड शेयर्स के लिए अप्लाई किया था कंपनी ने उनके सारे के सारे शेयर्स ही रिजेक्ट कर दिए हैं उनको एक शेयर भी नहीं दिया है अब कंपनी ने जिनको अलॉट कुछ भी नहीं किया है तो कंपनी उनका पैसा रख सकती है नहीं रख सकते कंपनी को क्या करना पड़ेगा इन शेयर्स पे जो एप्लीकेशन मनी आई है उसको क्या करना पड़ेगा उन्हें वापस देना पड़ेगा तो कितना वापस बनेगा सिक्स थाउजेंड मल्टीप्लाई बाई थ्रीन थाउजेंड कंपनी क्या करेगी उन्हें वापस दे देगी तो बैंक अकाउंट जब घटता है तो क्या होता है क्रेडिट होता है एटीन थाउजेंड से क्या हो जाएगा बैंक अकाउंट हमारा कम हो जाएगा क्लियर है अब देखो ये जो प्रोरेटा वाले हैं उन्होंने क्या किया है फोर थाउजेंड शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा भिजवा रखी है भिजवा रखी ने कंपनी ने क्योंकि उन्हें कितने शेयर्स अलॉट किए हैं सिर्फ ट्वेल्व थाउजेंड ही अलॉट किए हैं इसका मतलब उनका कितना पैसा कंपनी के पास एक्स्ट्रा आ रखा है फोर थाउजेंड पे थ्री रुपीज एक्स्ट्रा आ रखे हैं ट्वेल्व थाउजेंड कंपनी के पास एक्स्ट्रा आ रखे हैं अब कंपनी क्या करेगी क्या इनके पैसों को रिफ़ंड करेगी नहीं करेगी कंपनी क्या कहेगी उन्हें कि तुमने अभी मुझे बारह हज़ार शेयर्स पे अलॉटमेंट भी देनी है फ़र्स्ट कॉल भी देनी है तो जो तुम्हारा ये मेरे पास एक्स्ट्रा बारह हज़ार रुपये है वो मैं अपने पास रख लेता हूँ और जब तुम अलॉटमेंट के पैसे दोगे आगे की इंस्टॉलमेंट पे करोगे उसको कम दे देना ये अमाउंट को माइनस करके मुझे आगे भिजवा देना ठीक है तो कंपनी ने क्या किया है जो चार हजार शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी आ रखी है वो कहाँ एडजस्ट की है अलॉटमेंट पे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में कंपनी क्या करेगी एडजस्ट कर देगी टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट फोर थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय थ्री ट्वेल्व थाउजेंड क्लियर है एप्लीकेशन की दो एंट्रिया हो चुकी हैं अब कंपनी क्या करेगी अलॉटमेंट का पैसा मंगवाएगी अलॉटमेंट को ड्यू करेगी तो एंट्री क्या बनती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से 20,000 शेयर्स कंपनी ने अलॉट करने हैं तो 20,000 शेयर्स पे ही कंपनी क्या मंगवाएगी अलॉटमेंट मनी मंगवाएगी टू रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड मल्टीप्लाई बाई टू फोर्टी थाउजेंड फोर्टी थाउजेंड क्लियर है ये जो एक्स्ट्रा पैसा कंपनी के पास आया है उसका इस एंट्री से ड्यू की एंट्री से कोई लेना देना नहीं है कंपनी एक बार सभी शेयर होल्डर से पैसा मंगवाती है क्लियर है अब जब पैसा आएगा अलॉटमेंट का तो एंट्री क्या बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट अब कंपनी ने मंगवाया फोर्टी थाउजेंड है बट जिसमें से ट्वेल्व थाउजेंड पहले ही आ चुका है तो अब कितना आएगा 28,000 एट क्लियर है नेक्स्ट एंट्री किसकी होगी फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की होगी फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री क्या होती है शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितने शेयर्स हैं ट्वेंटी थाउजेंड शेयर है और एक शेयर पे कंपनी कितना मंगवाएगी फाइव रुपीज तो वन लैख आ जाएगा वन लैख आ जाएगा ठीक है अब फर्स्ट कॉल का पैसा आएगा तो एंट्री क्या बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट कितना पैसा आएगा जितना मंगवाया है उतना ही आएगा ट्वेंटी थाउजेंड शेयर पे फाइव रुपीज़ आएंगे तो वन लैख वन लैख ठीक है यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होगा क्योंकि जो एक्सेस पैसा आया था वो अलॉटमेंट पर ही एडजस्ट हो चुका है क्लियर है